डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा पार्टी के 5वें स्थापना दिवस के संबंध में सर्किट हाउस में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान पुरुषोत्तम चड्ढा ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है और अब उनकी पार्टी ने फैसला लिया है कि इस बार पंजाब में विधानसभा 2022 के चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसी को लेकर पार्टी ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। पार्टी ऑफ इंडिया DPI वालों पार्टी का 5वां स्थापना दिवस समारोह जी अधिवेशन असं मना रहे हैं और साडा अज का जो मकसद वा कि मिशन विधानसभा 2022 के संगठन मजबूत करने के लिए अज का असं जरा संकल्प दिवस पर मनावे, क्योंकि पंजाब के अंदर अज जी सरकार वा उपकैदा फेल हो चुकी वा और उन्होंने मुख रखते हुए साड़ी एक पार्टी ने अज फैसला करना वा। अज असी मालवे का जो संगठन आ उस भी आप ड्यूटी देनी है, एक लीगल सैल भी असं जरा अब पार्टी वालों अनाउंस करना वा और उन्होंने जो बुद्धजीवी सैल है वो भी अज असी अनाउंस जरा असं करना वा और मेन साड़ा जो मकसद आ भी पंजाब के अंदर अभी 5 जोनों DPI पार्टी ने असं बंडिया वा और अज असी पहला माझा जोन की चोण आप कर चुके हैं। अज असी मालवा संगठन जोड़ा वा वह चेहरा चुनाव वा तो वह असं करने हैं। मैं अरुण पट्टी, मुख संचालक राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज वालों। जिहड़ा साडा कंसैप्ट है धर्म समाज का वो नैशनल लेवल से चल रहा वा, तो मैं चड्डा साहब तो डेमोक्रेटिक पार्टी जी साडे बाबा साहब अंबेडकर की जी दिशा निर्देश के अनुसार चलती है, तो असी तन मन धन दे नाल जिन्ना साडा पंजाब दे विच वाल्मीकि या दलित समाज जिन्हें भी साडे नौजवान है मैं उन्होंने तो बेनती भी कराँगा, तो उन्होंने घर घर जाके इस पार्टी की शिक्षावां दा ते नीतियां दा प्रचार करूँगा कि जिदे करके साडे दलित समाज के जिहड़े आने वाले समय के अत्याचार हो रहे हैं उन्होंने नकेल पाई जा सके। बाबा साहब के सिद्धांत के राही चल रही है, ये चाहती है भी सेंटर दे विच देश दे विच अन्नी काणी वंड चल रही आ, बरबरता है नहीं, जाति पाती दे दंगे हो रहे आ। जदी नवी सरकार आई है मोदी साहब की, तुसीं देखिया होना देश विच किन्ने जात दे आधार ते लड़ाइयां हो रही, झगड़े हो रहे, स्टूडेंटां नूं यूनिवर्सिटी विच जाके उन दे परचे दर्ज हो रहे आ, उन दी कुड़ियां दी बाहां तोड़ियां जा रही हैं। एक देश का जिहड़ा स्टूडेंट हुंदा विद्यार्थी हुंदा देश दी नेशन है, देश का वो एक जिउंदा जागदा निर्माता है वो स्टूडेंट, पर उन्हां ते जाके अत्याचार किते। फिर तुसीं देखो मैं जिहड़ा इन बिल आया है CAA इहदी लोड़ नहीं सी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इहदी की लोड़ सीगी। जदों तुसीं देखो भी साडे बजुर्ग है, साडा जिहड़ा देश है अनपढ़ता दा देश है, ज़्यादातर किसी भी जिहड़े ज़्यादातर लोग झुग्गियां दे विच है, किसी को आधार कार्ड होगा, किसी का राशन कार्ड होगा, कि उन्होंने बजुर्गों ने उन्होंने कागज़ सामने रखे हो। फिर सिटीजनशिप जिहड़ा एक्ट आया अमेंड वो किन्ना स्ट्रिक्ट है, मेरा ख्याल लोग रैलियों में तो चले जाते नरेंद्र मोदी के समर्थन करने लिए, किसी को डीपली उन्होंने किराए पर किराया दे के ले जाया जाता है। एक पिछे जी सी रैली में नरेंद्र मोदी जी आया, उन्होंने भाजपा का वो पाया सी परना जिहा निशान दा, उन्हें पूछा भी किवें, वो कहिंदा मैं तो पक्का कट्टड़ केजरीवाल का हैगा नुमाइंदा, भी मैं उन्होंने भगत है, बड़े अच्छे काम कर रहे दिल्ली के, मैनू दिहाड़ी मिली आ, इस करके दिहाड़ी के जिहड़े कट्ठे करने। मैं एक होर गल कहांगा, तुसीं मीडिया राही मेरी आवाज़ जरूर लैके जाइयो, जिदन EVM मशीन खत्म होगी ना, जिदन EVM मशीन खत्म होगी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उस दिन भाजपा का लभना कुछ नहीं है। तुसीं देख लियो ये जिहड़ी बाबा साहब ने वोटिंग वोट जिहड़ी आ बैल्ट पेपर राही कराई सी, अगर वह होगी ना तो भाजपा का रस्ता जिहड़ा साफ हो जाना है।